मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो गेहूं की खेती है, ये जो मैंने पहले आपको गेहूं दिखाए थे उससे बड़े खेत हैं। अच्छे मतलब यहाँ पे जो है गेहूं की उपज अच्छी तरीके से हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो खाद है वो ज़्यादा डाली गई होगी। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा सुंदर बगीचा है हरा भरा आम का। तो गाइस यहाँ पर चने की खेती है, यहाँ पर जो साड़ियाँ लगा रखी है वो जानवरों को भगाने के लिए लगा रखी है। इधर से जंगल से शेर हाथी ऐसे जानवर आते रहते हैं। और तो गाइस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ बो रखा है, मतलब कुछ बो रखा है उन्होंने यहाँ पर हमारे को नहीं पता है अभी तक। तो यहाँ पर गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम वैष्णवी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल नेचर लवर संजू में। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 5:20 से, और मेरे साथ है मेरा भांजा अभी, भांजी वैष्णवी और आरुषि। तो अभी हम हैं कुड़ियाल गांव में, कुड़ियाल गांव मेरी दीदी जी का जो है ससुराल है, और अभी हम आ रखे हैं इवनिंग वॉक पे। तो हम थोड़ी आगे तक जाएंगे और आपको अपना कुड़ियाल गांव दिखाएंगे कैसा है, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे पूरा प्रकृति से भरपूर। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे पूरा चारों ओर हरा भरा हो रखा है गेहूँ, और गेहूँ के खेत हैं यहाँ पे जैसे, और पेड़ है हमारे आम के पेड़, और भी बगीचे हैं। आपको सभी चीज़ें दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो ये है हमारे साथ आरुषि, जो कि जिसका नटखनपन खतरनाक ही है, बस 24 घंटे खेलने पे ही ध्यान है इसका, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और यहाँ पे ये सामने आप देख सकते हैं ये पूरा हरा भरा गेहूं का खेत है, यहाँ से लेके आगे तक पूरा, और बीच में ये बगीचा है आम का बगीचा, और यहाँ पे हमारा आंवले का भी पेड़ है, इस पर लग रखे हैं थोड़ा बहुत आंवले। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये है यहाँ पे छोटी छोटी पौध हो रही है अभी प्याज की, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार। ये वाला पेड़ है आंवले का, बोल कौन सा है अमरूद का पेड़ बता दो जरा। ये वाला। ओके ओके बढ़िया। और ये पेड़ किस चीज का है? ये आमले का। आमले का, बहुत अच्छा। आमले हो रखे हैं इस पे, आप देख सकते हैं ये हो रखे हैं आमले, बहुत ही मोटे मोटे, बहुत मोटे मोटे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, टेस्टी। तो गाइस ये है अनार का पेड़, और इसमें भी छोटे छोटे वो पत्तियां लगी हुई है, और यहाँ पर एक अनार ऐसा उगलाएगा कि यहाँ पर फूल लगा है। और गाइस ये है नींबू का पेड़, इसमें अभी नींबू तो है नहीं, केवल पत्तियां हैं बस हरी भरी, केवल पत्तियां ही पत्तियां हरी भरी। गाइस ये है कटहल का पेड़, जिसमें अभी एक बार अभी कटहल नहीं है, वो आएंगे अभी गर्मियों में। तो गाइस अब और ये दोनों दो पेड़ हैं यहाँ पर, और वहाँ पर दोबारा से अमरूद और अनार का पेड़ है। ये आम का बगीचा, इनमें से छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे आम के पेड़ हैं, कड़िया घास आम का बहुत बड़ा पेड़ है। सही है, चलो। यहाँ पर धान के भूसे रखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी घास जो है स्टोर करी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सूखी हो रखी है। ये धान की घास है, और ये हमारे यहाँ पशुओं को दिया जाता है। तो ये होता है कि इस टाइम जब बारिश वगैरह लगती है तो घास के लिए कोई जा नहीं सकता जंगल, तो उस टाइम जो है पशुओं को हम यही खिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे यहाँ का, देख सकते हैं आप। ये है कुड़ियाल गांव, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, दीदी और का ससुराल है, यानी वैष्णवी और का घर है। और देख सकते हैं बिल्कुल सुंदर लोकेशन पे, हरे भरे बिल्कुल चारों ओर खूबसूरत खेत हैं, और हरे भरे पेड़ हैं, और बिल्कुल सुंदर मौसम है। तो गाइस ये बड़े वाले गेहूं हैं, जो उस वाले गेहूं के खेत से बड़े हैं। अब पीछे पूरा आम का बगीचा है, और यहाँ पर कुछ गेहूं खरगोश खाए हुए भी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो गेहूं की खेती है, ये जो मैंने पहले आपको गेहूं दिखाए थे उससे बड़े खेत हैं। अच्छे मतलब यहाँ पे जो है गेहूं की उपज अच्छी तरीके से हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो खाद है वो ज़्यादा डाली गई होगी। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा सुंदर बगीचा है हरा भरा आम का बगीचा, जो कि गर्मियों के टाइम पर होते हैं आम। और अभी यहाँ पर बस ये है कि हरी पत्तियाँ उन पर, हरे भरे जो पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन साफ है नहीं, ये कैमरे पे ही दिख रहा है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ का जो मौसम है वो इस प्रकार से हो रहा है कि चारों ओर जो है कोहरा कोहरा हो रहा है और ठंड हो रही है।
दोस्तों यहाँ पे जितने भी ये खेत देख रहे हैं आप, ये खेत हैं मतलब किसी और के हैं, और ये दे रखे हैं खेती के लिए किसी और लोगों को जो बाहर से आ रखे हैं, और उनका जो रहने का है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो है कुछ इस प्रकार से कर रखा है, और आगे एक पेड़ पे भी कर रखा है उनका बना रखा है रहने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पे भी एक रहने का जो है प्रबंध कर रखा है इन लोगों का, जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पेड़ के ऊपर जो है इन्होंने अपना घर बना रखा है यहाँ पे, और रात को रहते हैं यहाँ पे, जो पूरी की खेती की देख रेख करनी होती है इन लोगों को रात को। और सामने एक यहाँ पे भी है रहने के लिए उनका बनाया हुआ, और यहाँ पे जो है रात को जो फसल को नुकसान करने के लिए जो जंगली जानवर आते हैं तो उनके लिए जो है ऐसी बाउंड्री बना रखी साड़ियों को लगा के, ताकि वो थोड़ा सा डर जाएं, कवर कर रखा। इस प्रकार से कुछ इस खेती को बचाया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप सुंदर खेती। तो गाइस यहाँ पर चने की खेती है, यहाँ पर जो ये साड़ियाँ लगा रखी है वो जानवरों को भगाने के लिए लगा रखी है। इधर से जंगल से शहर हाथी ऐसे जानवर आते रहते हैं। और तो गाइस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ बो रखा है, मतलब कुछ बो रखा है उन्होंने यहाँ पर हमारे को नहीं पता है। अभी तक तो यहाँ पर लौकी थी, पर जो बेचने वाले वो थे। और दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ जो ये सामने जो खेत दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अभी जो है पूरी घास हो रखी है। पहले जो ये वाले खेत हैं ऊपर वाले जो मैंने आपको अभी दिखाया, वहाँ पे भी ऐसी प्रकार की घास थी, ऐसी झाड़ियाँ थी भूत फूल की। तो वहाँ पे जो लोग हैं खेती करने के लिए, जो जिन्हें दे रखा है उनका किराए पे, तो उन लोगों ने वहाँ पे सफाई वगैरह करके फिर वहाँ पे खेती की, और ऐसा ही वो अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बंजर हो रखा है, लेकिन अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी खेती हो जाएगी। देख सकते हैं आप, झाड़ियाँ जलाई गई है यहाँ पे, और कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे हल वगैरह लगेगा ट्रैक्टर के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे भी खेती होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ चारों ओर जो है यहाँ भी हरा भरा हो जाएगा, जो ये खेत जो झाड़ियाँ दिख रही है यहाँ भी खेती होगी। अब चलते हैं हम आगे की ओर, यानी दीदी लोगों के घर की साइड। फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स रात भी होने लगी है, और अब हम पहुँचने वाले दीदी के घर में, और अपने साथ बच्चे हैं, बच्चे पार्टी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंचने वाले दीदी के घर में, और रात भी बस होने वाली है, तो रात में वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आती नहीं है, तो इसलिए हम इससे आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बोलो जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। क्या आते तेरे को खेलना? मैं इसमें सबसे बड़े वही खेल हैं। हम हमारे स्कूल में हैं, पर मेरे पास बैडमिंटन नहीं है। आऊंगा तो लेकिन थोड़ी साड़ी अलग करे। अरे हमारे स्कूल में बच्चे हैं बैडमिंटन का। हमें अंडरनेट मार्क फ्रेश।